शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें हनी ट्रैप की आरोपियों के साथ लक्ष्मीकांत दिख रहे हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हलचल मच गई है कि आखिर यह वीडियो बाहर आया कैसे। भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके लक्ष्मीकांत शर्मा का ऑडियो और वीडियो दोनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में लक्ष्मीकांत आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन के साथ दिखाई दे रहे हैं और वीडियो की एक दूसरी क्लिप में लक्ष्मीकांत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वे कई आपत्तिजनक बातें भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में लक्ष्मीकांत 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तब वे जनसंपर्क मंत्री थे। प्रचार के दौरान पोस्टरों में नरेंद्र मोदी के फोटो के इस्तेमाल पर वे शिवराज की नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं। वे शिवराज के परिवार पर भी आरोप लगाते दिख रहे हैं। बातचीत में वे व्यापक घोटाले में कह रहे हैं कि उन्होंने जहर घूट पी लिया लेकिन किसी को नहीं फंसाया। पार्टी मेरी माँ है, उनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक वफादारी के कारण उलझा हूँ। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की बातें सामने आई हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि मैं तो इस समय दिल्ली में हूं, मुझे नहीं पता चला कि ऐसा कोई मामला सामने आया है। इधर SIT ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह वीडियो बाहर कैसे आया, क्योंकि SIT इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्ती बरत रही है। ऐसे में यह वीडियो बाहर आना बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।